में बोल सकते हो तो बोलो, अदरवाइज डोंट प्लीज, आई एम सॉरी। तो हम रिप्लाई शुरू करते हैं नहीं तो स्पीकर महोदया, बाकी सब लोग ले करते हो, मैं अब किसी को इजाजत नहीं दूँ। नो, आप अपने अपने भाषण ले कर दो, एक एक लोगों की पार्टी है, मैं के नो। यस स्पीकर महोदया, आज 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, आठवले जी एक तरह का अविश्वास का प्रस्ताव आया था, तो आज मतलब राहुल गांधी जी ने बहुत डैशिंगली भाषण किया और आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला ले करना है। आज राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास है कांग्रेस को हराने की कला। कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 51 साल अभी, हाँ, कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 50, 51, 55 साल, तब उन्होंने कमाया है बहुत ही माल। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल, इसलिए देश में हो रहा है विकास का धमाल। कांग्रेस का आज देश में ठीक नहीं है हाल, कांग्रेस का देश में आज ठीक नहीं है हाल, इसलिए नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे 2019 का साल। और अभी ये अपनी मैच जो है, मैच का अभी जज्बे मतलब निकाल आने वाला है, और जो 2020 मैच है, राहुल गांधी जी ने आज अच्छे रन निकाले हैं, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी की बारी है, और नरेंद्र मोदी जी हमारे टीम के कैप्टन है, वो विराट कोहली है, वो एक बार मतलब नरेंद्र मोदी जी विराट कोहली है, मैं भी एक प्लेयर हूँ, हमारे राजनाथ सिंह जी टीम के मेंबर है, बहुत सारे लोग है, हो गया। तो हमारी जो टीम है, बैठो बैठो जी, धन्यवाद जी, नहीं नहीं हमारी जो टीम है, धन्यवाद जी, धन्यवाद रामदास जी, मैं थोड़ा सुनो, मैं कुछ तुम्हारे विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्रिकेट की मैच खेल रहा हूँ, मैं यहाँ मतलब क्रिकेट की मैच है, इधर अभी जीतने का वक्त आ गया है, अभी आपने रन निकाले हैं, अभी उससे डबल रन निकालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और मोदी साहब डबल रन निकालेंगे जी, रामदास जी धन्यवाद, खड़ा हूँ, और रन जितने कम हो जाएंगे उतने रन निकालने की कोशिश हम भी करेंगे। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब की पार्टी, बीजेपी दलित विरोधी नहीं है, न कांग्रेस दलित विरोधी नहीं है, एक दूसरे पर आरोप करने से काम नहीं चलेगा, दलितों के, माइनॉरिटीज के, ओबीसी के और सभी समाज के भले के लिए हम सब लोगों ने काम करना है, और राहुल गांधी जी को मेरा निवेदन है कि सरकार ने हमें साथ देना चाहिए, अगर आपने इनके प्रेमचंदन ओनली वन मिनट तो बिल पास करने के लिए अदरवाइज सहयोग मिलना चाहिए। और अभी बैठिए रामदास जी, मैडम स्पीकर, थैंक यू वेरी मच, हो गया।